हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन और आज हम आपके साथ फिर से फेस्टिवल सीजन आ रहा है नज़दीक, उसके लिए लेके आए हैं पीनट पेड़ा। तो एक्चुअली ये पीनट और कैशू से बनता है, लेकिन इसका नाम हमने दिया है पीनट पेड़ा, जो हम बहुत सारे एक ही बेस रहेगा लेकिन उसके अंदर कैसे वेरिएशन करके दूसरा फ्लेवर्स हम दे सकते हैं वो आज हम आपको बताने आए हैं। तो उसके लगने लिए हमने लिए है मावा। आप होममेड मावा भी ले सकते हो, रेडीमेड मावा भी ले सकते हो। हमने हमारे पेज पे होममेड मावा बताया है, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वो यूज़ करके भी आप ये रेसिपी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजरमेंट के साथ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इंग्रेडिएंट्स की। सिर्फ यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मावा, उसके बाद ये पीनट्स। तो पीनट्स मैंने देखो रोस्ट किया है, कोई बोलेगा कि रोस्ट किया है, एकदम धीमे आँच पे, एकदम धीरे से 5 से 10 मिनट, 10 से 12 मिनट, जितना भी टाइम लगता है आप अच्छे से उसे प्यार से भूनो ताकि उसका कलर चेंज ना हो, लेकिन कच्चा भी नहीं होना चाहिए, पक जाना चाहिए। उसके बाद उसके छिलके निकाल दिए हैं एंड उसे स्ट्रेन करके रख दिया। यहाँ लगेगी घी, तो घी में आप जो डालडा भी वापरते हो तो भी चलेगा, लेकिन मिठाइयों में प्योर घी वापरो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, टेस्ट भी एनहेंस होता है, हेल्दी भी होता है। एंड फिर यहाँ पर हमने कैशू पाउडर किया है, तो आप देख सकते हैं ये जो पाउडर है कितना महीन है, एकदम बारीक है ये। तो ये हमने घर पे ही बनाया है। आप इसे बनाएंगे कैसे, तो काजू लीजिए, ग्राइंडर के जार में डालिए और बस चलाइए बंद करिए, चलाइए बंद करिए। उसके बाद दरदरा भी रहेगा, पाउडर भी रहेगा, थोड़ा सा चलनी में निकाल के स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद फिर से जो अखा वाला रहेगा वो फिर से इसी तरह से चलाइए बंद करके, स्ट्रेन करके। तब तक ये प्रोसीजर करना है जब तक आपने जितना क्वांटिटी का काजू लिया है वो पूरा पाउडर फॉर्म में आपको मिल नहीं जाता है। तो ये पूरा मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी ब्रांड वापर सकते हो, मेरे पास जो ब्रांड है मैंने वो यूज़ किया है। आप अमूल या नेस्ले या जो अवेलेबल होता है आपके नज़दीकी शॉप में या घर पे वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पीसी हुई शक्कर है, पीटी शुगर, तो आप ये लीजिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो क्या करोगे, शक्कर लो, शक्कर को ग्राइंडर के जार में डालिए एंड पीस लो। तो ये सब चीज़ आपको इजीली घर पे मिल जाएगा और बना सकते हो आप ये डेली। एक और चीज़, जैसे कि उपवास में औरतें उपवास करती है, फास्ट का सीज़न आ रहा है, अभी सावन का सीज़न चल रहा है, तो उसमें ये फरहाली के रूप में भी है, क्योंकि पीनट्स खाते हैं फराली में, मावा भी खाया जाता है, काजू भी खाया जाता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें ना नमक पड़ रहा है ना कुछ भी, तो ये फराली के रूप में भी बेस्ट है। तो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं गैस की फ्लेम एकदम लो कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी मावा भुनना है इसमें। इसी में मैंने पीनट भुना था इसलिए मैंने इसे सिर्फ पोंछ के रखा है। तो ये मावा हम डाल देंगे और इसे ध्यान रखिए कि रूम टेम्परेचर पे हो, ना कि फ्रिज वाला कड़क कड़क हो। तो इसे तब तक हम भूनेंगे जब तक ये एक जैसा बैटर फॉर्म ना हो जाए, एक जैसे अभी आप देख रहे हो ये सब जगह फैला हुआ है, तो ये एक साथ हो जाना चाहिए इस तरह से। तो एकदम लो फ्लेम पे हमें करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि इसमें से वाटर रिलीज हो जाए। अभी इसमें हम घी डालेंगे, लेकिन 1-2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे दबा दबा के, ताकि इसके जो दरदरापन है वो निकल जाए, हम इसे अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। तो अब ये मॉइस्चर रिलीज हुआ है, इसमें हम 1 चम्मच, ज़्यादा घी इसमें नहीं लगती है, 2 चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ये स्टेप बाद में किया जाता है, लेकिन मैंने ये स्टेप पहले ले लिया है इसलिए, क्योंकि अगर हम पीसी हुई शक्कर में मावा डाल देंगे या फिर
मावा को शक्कर में डाल देंगे तो क्या होगा, वो पानी रिलीज कर देगा और हमारे पेड़े जो है वो कभी नहीं बनेंगे, उसके लिए हमें रुकना पड़ जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा हम पहले मावा को सेक लेंगे, उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ये जब तक ठंडा हो जाएगा। तब देखो कि पूरा एक साथ हो गया, अगर इधर से मैं इसे पैन रिलीज हो रहा है, देखिए इस तरफ से इस तरफ से, तो अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। स्लाइट कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्राउन नहीं है लेकिन लाइट क्रीमिश हो गया है। बस इतने में तो हमारा मावा अच्छे से भुन गया है, इसलिए भुना जाता है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और रहे। ऐसे भी हम जानते हैं कि मिठाई ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, मिनिमम 3 से 4 दिन, बट हम अगर प्रिकॉशन ले थोड़ा अच्छे से भूनेंगे सब कुछ इन्ग्रीडियंट्स तो और ज़्यादा दिन रख सकते हैं बाहर रूम टेम्परेचर में, और फ्रिज में तो आप 10-15 दिन रख सकते हो। तो मैं फ्लेम बंद करके इसको चलाऊंगी, नहीं तो ये कलर चेंज कर देगा। तो जिस जार में मैंने काजू को पीसा था उसी जार में हम ये रोस्टेड पीनट्स ले लेंगे, शेंगदाने के दाने, और साथ ही में इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो शेंगदाने में से तेल निकलने वाला है वो नहीं होगा, इसमें ड्राई ड्राई रहेगा। और कैसे पीसेंगे, पल्स में, बस इस तरह से, और इसे भी हम छानेंगे। तो देखिए आप पाउडर देखिए कितना अच्छा हुआ है, बट फिर भी हम स्ट्रेन करेंगे और जो भी दरदरा होगा वो फिर से हम पीस लेंगे। और इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे, आप देख सकते हैं कितना बारीक पाउडर आ रहा है, और जो दरदरा रहेगा वो फिर से हम पीस लेंगे। ये देखिए ये दरदरा जो है वो हम इसमें डाल के फिर से पीस लेंगे, और साथ ही में इसमें जो पीटी शुगर है वो भी हम पीस लेंगे। तो बस लास्ट का इतना बचा है, मैं इसे निकाल दे रही हूं। तो ये देखिए मावा, मैंने थोड़ा सा और मावा भूज लिया था, मतलब जो हम आपको रेसिपी देंगे वो हम डबल क्वांटिटी की देंगे, ये मैंने डबल क्वांटिटी ले ली है क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा और एक्स्ट्रा बना लेते हैं हम। तो ये भूज कर एकदम देखिए मैं अच्छे से इसे पकड़ रही हूँ, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये ठंडा हो गया एकदम। अब इस स्टेज पे हम इसे इलायची डाल रहे हैं, इलायची का पाउडर, जैसे कि मावे के साथ इलायची का कॉम्बिनेशन वाओ बहुत अच्छा लगता है, सुगंध एकदम मस्त आ रही है। अब इसमें पहले तो एक में इलायची फ्लेवर रखूंगी, उसके बाद दूसरे वेरिएशन में आपको 3 से 4 बता सकती हूँ, उसके बाद आप अपना सोचकर आप अपना वेरिएशन कर सकते हो। तो अब जो हमने इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे वो सब मैं इस बड़े परात में ही ले रही हूँ, शेंगदाना का पीटी साकर, और ये है हमारा काजू पाउडर जो मैंने, इसे भी आपको छानना ही है। और अब इसे सब हम बाइंड कर लेंगे, तो ये देखिए मैं मसल मसल के इसको, अगर आपको इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस लग रहा है तो आप थोड़ा सा गरम किया हुआ घी डाल सकते हो, तो मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है इसलिए मैं 1 चम्मच घी डाल के इसे बाइंडिंग दे रही हूँ। घी की जगह आप थोड़ा सा वार्म मिल्क भी डाल सकते हो, ये देखिए अच्छे से इसका बॉल बन रहा है अभी। तो अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे जो जो फ्लेवर्स हमें देना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा भाग लूंगी मैं, यहाँ पर रख रही हूँ, ये मेरा हुआ इलायची फ्लेवर, ये मेरा हुआ इलायची केसर फ्लेवर, फिर हम देंगे पान फ्लेवर,
फिर हम देंगे गुलाब का फ्लेवर। तो फिलहाल मैं ये चार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने सोचा नहीं है, सोच लेती हूँ जब तक ये बनते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भी। तो सबसे पहले मैंने एक चम्मच में ये केसर के धागे भिगाए थे वो ऐड करके हम केसर का फ्लेवर दे रहे हैं, और एक दो बूंद येलो कलर देंगे ताकि केसर जितना कलर आ जाए। अब जैसे आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो गया है, तो आप क्या करोगे, इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में क्लिंग रैप करके रख दोगे ताकि ये कड़क हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स अच्छे से करना है ताकि सारे दाने अच्छे से येलो कलर या कोई भी कलर दे रहे हो। आप सिर्फ अगर ऐसे ही जरा सा मिक्स कर लोगे तो कहीं पे क्रीम कलर, ब्राउनिश कलर, कहीं पे पीला कलर, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए प्रॉपरली मसल मसल के आपको कलर को एक जैसा करना है। अब देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट हो गया है दूध डालने की वजह से, इसलिए थोड़ा सा सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में डाल रही हूँ। और ये हमारा पहला वाला फ्लेवर जो नॉर्मल इलायची फ्लेवर था, उससे अच्छे से जितना बड़ा आपको पेड़ा चाहिए उतना आप बड़ा बना लो। आप देख सकते कितना प्यारा सा सेट हुआ है, ये अच्छे से रोल करेंगे तो इस तरह से हम पेड़े बना के रख लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन रहा है, बस थोड़ा सा बीच में दबाएंगे इस तरह से, और बाकी पेड़ों के साथ इसे भी रख देंगे। आप जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा दबाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट। अब इस पे मैं एक एक धागे केसर के लगा लूंगी, और साथ ही मैं थोड़े से पिस्ता, इस तरह से पिस्ता रख देंगे, पिस्ता के फ्लेक्स, और थोड़ा सा एक एक धागा हम केसर का रख देंगे उसके ऊपर। आप जो डिजाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ये केसर का है इसलिए हम केसर लगा रहे हैं इस तरह से। अब इसमें मैं एक दो बूंद रोज एसेंस डाल रही हूं, अगर आपके पास इमल्शन हो तो आप इमल्शन डालिएगा, क्योंकि इमल्शन का काम होता है कलर एज वेल एज एसेंस का। मेरे पास अभी फिलहाल इमल्शन खत्म हो गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कलर मिक्स हो गया है, अच्छे से इसे रोल करेंगे। ये सब जो मैंने घी बिल्कुल भी हाथों पे नहीं लगाया है, देखिए कितना परफेक्ट शाइन आया है। अब चाहो तो होल्ड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हो। मैं होल्ड कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें रोज के पेटल्स रखने मिल जाए। वाओ देखिए कलर। अब इसमें मैं पान एसेंस डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ एक या दो बूंद, और इसमें ग्रीन कलर डाल रही हूँ, एक दो, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये भी बहुत स्ट्रांग रहता है, सेम वे इमल्शन होगा आपके पास तो आप इमल्शन डालिएगा। ये देखिए लाइट येलो कलर, पिस्ता कलर, इसे भी हम बॉल्स बना लेंगे, परफेक्ट एकदम। ये देखिए इसकी शाइन देखिए, बिल्कुल भी दरारे नहीं है, बस जरा सा इस तरह से, और ये भी हम प्लेट में रख देंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, एंड आप इस फेस्टिवल ये ट्राई करोगे, घर पे बनाइए हेल्दी, और उपवास में भी यह बहुत बहुत यूजफुल है। बाहर की मिठाइयों से बच के रहिए, मिलावट रहती है बहुत। ये घर पर आप प्योर अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेकर बना सकते हो, जल्दी बन जाती है,
अब इसे हम सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, ये फिर से हो जाएगी जैसे मिठाई होती है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मीडियम वे टू कंज्यूम। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।